आइए हम लोग 12वें छंद नंबर 12 का अध्ययन करें। नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कठिने पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलग मुखी कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। इसमें भी पूर्वत इसके पहले जो 11वें छंद ने का छंद में प्रसंग बताया गया था वही इसमें भी है। नीले फूले कमल तलसी गात की श्यामता है। अरे पवन, जब तू मथुरा पहुंचोगी तो वहां पर देखेगी कि कृष्ण अत्यंत ही सुंदर दिखाई देंगे। उनके शरीर की जो श्यामता है वह नीले कमल की पंखुड़ियों के सदृश है। उनके शरीर की श्यामता नीले पंखुड़ियों के सदृश है, समान है, तो यहाँ भी उपमा अलंकार होगा। नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता, हे हरिपवन, कृष्ण का शरीर अत्यंत ही सुंदर है। उनका शरीर की श्यामता नीले कमल की पंखुड़ियों के सदृश है। पीला प्यारा वसन कटिने पहनते हैं फबीला, पीला प्यारा वसन वह अपने कटी में अर्थात कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं जो अत्यंत ही आकर्षक दिखाई देता है। छूटी काली अलग मुखी कांति को है बढ़ाती, उनके ललाट पर कभी कभी बाल आ जाते हैं, कभी कभी लट आ जाते हैं जो उनके मुख की कांति को और भी बढ़ा देते हैं। छूटी सद वस्त्रों में नवल तन की फूट सी सी प्रभा है और वह नए नए सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। उस नए वस्त्रों में फूलों की सुगंध निकलती रहती है। उन नए वस्त्रों से फूलों की सुगंध या उनके शरीर से फूलों की सुगंध निकलती रहती है। तो इसमें आप देखेंगे कमल दलसी गात की श्यामता, उनके शरीर की तुलना उपमा कमल दल अर्थात कमल के पंखुड़ियों से की गई है, पत्ते से की गई है। और भी है, फूटती सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, तो इसमें भी उपमा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, छंद मंदाक्रांता, भाषा खड़ी बोली इत्यादि। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।